फाइनली गाइस सैमसंग की तरफ से वन यूआई 7.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 का फर्स्ट बीटा अपडेट है, उसके ऊपर काम है, वो और भी तेजी से स्टार्ट हो चुका है। फाइनली तीन स्मार्टफोन है वो सामने निकल के आ चुके हैं, जिनके ऊपर आप लोगों को जो अपडेट है वो काफी जल्दी देखने को मिलेगा। सो कौन कौन से वो सैमसंग के तीन स्मार्टफोन है कंप्लीट हम लोग बात करने वाले हैं, और मैं आपको रिलीज डेट है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपको ये पसंद आती है आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। फ्यूचर में भी आपको इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो हमारा जो फर्स्ट स्मार्टफोन है इस लिस्ट के अंदर, उसका नेम है सैमसंग गैलेक्सी S24 Plus। सेकेंड स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी S23 Ultra, और थर्ड हमारा स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी S22। तो तीनों ही अपनी कैटेगरी के अंदर अलग अलग स्मार्टफोन है। इनके आप लोग यहाँ पर गीक बेंच के स्कोर है ना वो भी यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन अभी ये वाली जो स्कोर है इनको आप लोग बिल्कुल भी कंपेयर मत करना अगर आप लोग परफॉर्मेंस के हिसाब से देख रहे हो, क्योंकि ये जो अपडेट्स है ना वो काफी अर्ली स्टेज के अंदर यहाँ पर रोल आउट किए गए हैं। अभी तो डेवलपर प्रीव्यू 1 जो अपडेट है वही रोल आउट नहीं किया गया है, तो एकदम स्टार्टिंग वाले अपडेट है ना वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन आपको इस चीज के अंदर एक चीज है ना वो यहां पर पता ये चल जाती है कि एंड्रॉइड 15 का जो अपडेट है उसके ऊपर टेस्टिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, और वन यूआई 7.0 अपडेट के ऊपर टेस्टिंग है ना वो यहां पर सैमसंग की तरफ से स्टार्ट की जा रही है, और वन यूआई 7.0 का जो अपडेट है उसके ऊपर भी सैमसंग की तरफ से काम है ना वो काफी तेजी से स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल आप लोगों को वन यूआई 7.0 का जो अपडेट है ना वो और भी जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज की डेट आप लोग देखते हो ना 10 जुलाई, जुलाई मंथ के अंदर सैमसंग की तरफ से पहली बार ऐसे स्कोर है ना वो यहाँ पर सामने निकल के आ रहे हैं, ना ही तो 1 UI 4.0 और ना ही 1 UI 5.0 अपडेट के अंदर हम लोगों को ऐसी चीजें है ना वो यहाँ पर देखने को मिली थी। सैमसंग की तरफ से वैसे ऑलरेडी काफी सारी लीक्स है ना वो आ चुके हैं कंट्रोल सेंटर को लेके, तो अभी का जो कंट्रोल सेंटर है वो आपको इससे काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलता है, और जो लीक्ड इमेज है फिर कह सकते हो कॉन्सेप्ट इमेज है ना वो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। देख सकते हो काफी एक अलग कैटेगरी है ना वो आपको मिल जाती है डू नॉट डिस्टर्ब मोड के अंदर, बाकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सारे ही यहीं पे मिल जाते हैं, और ये एक अलग टैब बार है ना वो आप लोग इसको कह सकते हो, इसकी एक नई डिजाइन है वो सामने निकल के आई है। और आप लोग देखते हो फुल कंट्रोल सेंटर को, तो सबसे पहली चीज आइकन्स है ना उसकी डिजाइन आपको यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलती है, और एक ही लाइन के अंदर आपको दो दो स्लाइडर है वो देखने को मिल जाते हैं, एक तो ब्राइटनेस स्लाइडर है और दूसरा आप लोगों को यहाँ पर जो वॉल्यूम स्लाइडर है उसका ऑप्शन मिल जाता है। गेम बूस्टर, डिवाइस कंट्रोल दोनों ऑप्शन आ चुके हैं, स्मार्ट व्यू का भी ऑप्शन आ चुका है, और सबसे बड़ी बात चैट जीपीटी है ना उसका भी ऑप्शन है वो सैमसंग की तरफ से यहाँ पर ऐड किया जा सकता है वन यूआई 7.0 अपडेट के अंदर। तो ये वैसे कोई ऑफिशियल कंट्रोल सेंटर नहीं है, लीक्ड इमेज है ना वो यहाँ पर सामने निकल के आई है, और साथ ही में आप लोग जो मीडिया प्लेयर है ना उसकी भी डिजाइन है उसको यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इस बार सैमसंग की तरफ से कहा भी जा रहा है कि एनिमेशन है ना उसके ऊपर काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा। सैमसंग के जो फ्लेक्सी स्मार्टफोन है उनके अंदर तो आपको एनिमेशन काफी स्मूथ देखने को मिलती है, लेकिन जो सैमसंग के मिड रेंज और बजट स्मार्टफोन है ना उनके अंदर एनिमेशन का हाल है वो काफी बुरा है, और इस बार ओप्पो और वन प्लस ने अपनी एनिमेशन है उसको काफी ज्यादा यहाँ पर इंप्रूव कर लिया है। तो सैमसंग की तरफ से भी जो वन यूआई 7.0 का अपडेट होने वाला है उसके अंदर आपको एनिमेशन है वहां पर और भी ज्यादा स्मूथ देखने को मिल सकती है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इस बार आपको अपडेट है वो और भी जल्दी देखने को मिल सकता है, तो सैमसंग के रिलेटेड जितनी भी जो बड़ी वेबसाइट है उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया है, और ये चीज मैं आपको काफी पहले से यहां पर बताता आ रहा हूं कि आप लोगों को अपडेट है वन यूआई का वो थोड़ा इस बार जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सैमसंग की तरफ से वन यूआई 7.0 अपडेट के ऊपर काम है वो स्टार्ट हो चुका है, और गूगल की तरफ से एंड्रॉइड 15 का ऑफिशियल अपडेट है पिक्सल 9 सीरीज के लिए अगस्त मंथ के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। तो हो सकता है वन यूआई का जो नया बीटा अपडेट है वो आपको मिड अगस्त के अप्रोक्स कभी भी देखने को मिल सकता है, बाकी देखते हैं फ्यूचर में सैमसंग की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन है वो सामने निकल के आती है। इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ में बने रहिए, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ में पहले ही यहां पर शेयर कर दी गई है। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।